स्कूल के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए धमकी मिली। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ बने हुए। जतिन, ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है, दिल्ली धमाके की बम के बाद ये धमकी मिली है ईमेल के जरिए और सीआरपीएफ स्कूलों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या बताई जा रही है? आज बिल्कुल, देखिए थ्रेट को लेकर ये जो ईमेल आया वो तमिलनाडु के एक सीआरपीएफ स्कूल को ये ईमेल आया और देर रात ये ईमेल जो स्कूल की वेबसाइट है उस पर शूट किया गया था। दरअसल सुबह जब स्कूल ओपन होना शुरू हुए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ईमेल चेक किया, उसके बाद से पूरे देश में जितने भी सीआरपीएफ के स्कूल है उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हम इस वक्त रोहिणी में मौजूद है दिल्ली के, जहां पर ब्लास्ट हुआ था। मेरे पीछे भी आप ये सीआरपीएफ का स्कूल देख रहे हैं। सुबह के समय जो तमाम सीआरपीएफ के ऑफिशियल थे वो सिक्योरिटी रिव्यू करने बार बार बाहर पहुंच रहे थे। इस पूरी बाउंड्री पे आप देखेंगे कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं, इन सभी जगहों पर सिक्योरिटी का जो रिव्यू है वो साफ तौर पर किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके की पैनिक क्रिएट अभी नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बातचीत की जा रही है। दिल्ली में दो ही सीआरपीएफ के स्कूल है, एक रोहिणी जहां पर ब्लास्ट हुआ था संडे को और दूसरा द्वारका में। द्वारका डीसीपी का भी साफ तौर पर कहना है कि एसओपी के तौर पर उस स्कूल में भी पूरा जो प्रोटोकॉल है फॉलो किया गया है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी का एक खुद का स्कूल है, उनके अपने सिक्योरिटी चेन भी है, उसको पूरे तरीके से फॉलो किया गया है। अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ये थ्रेट मेल किसने किया? ये वही स्कूल, क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल संडे को दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, उसकी बाउंड्री पे ब्लास्ट कर दिया जाता है, उसके बाद मंगलवार या यू कह लीजिए कि सोमवार देर रात को एक मेल शूट की जाती है सीआरपीएफ में और ये बोला जाता है कि आपके स्कूल में आईईडी जो है वो प्लांट किया गया है और अगर खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। इस तरीके के जो कंटेंट का मेल है वो तमिलनाडु के एक स्कूल की वेबसाइट पर शूट किया गया है। हालांकि मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो सिविल वर्दी में जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, सीआरपीएफ स्कूल के अंदर भी पहुंच रहे हैं और सीआरपीएफ स्कूल के बाहर भी। आप देखेंगे काले रंग की डायरी लिए जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं और हर एक पैरामीटर्स को यहां पर चेक किया जा रहा है। अभी यही वो ऑफिसर्स हैं जो स्पॉट पर भी पहुंचे थे जहां पर ब्लास्ट जो है वो कंडक्ट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ब्लास्ट किसने कराया, तमाम एजेंसी की जांच कर रही है, अब तक क्लियर नहीं हो पाया। और दूसरा सवाल यह कि इसी बीच सीआरपीएफ के स्कूलों को एक बार फिर से निशाना बनाने की, इसको कह लीजिए या यू कह लीजिए कि थ्रेट पे लगातार जो है वो शूट किए जा रहे हैं, लगातार भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे असल मकसद क्या है, इसके पीछे कौन? लेकिन जतिन, ये जिस ईमेल एड्रेस के जरिए क्या जानकारी मिली है, कहां से ये ईमेल आई है, जो स्कूल मैनेजमेंट को निशाने पर लिया गया, जितने सीआरपीएफ के स्कूल हैं उनके ईमेल पर ये मेल शूट होती है, जिस मेल से आई है, ईमेल के जरिए आई है, वो एड्रेस क्या बता रहा है, कहां से? आज बिल्कुल बिल्कुल देखिए, इनिशियली जो जानकारी मिल रही है कि वीपीएन का इस्तेमाल करके ये जो ईमेल है वो स्कूल की वेबसाइट पर शूट किया गया है, यानी कि स्कूल की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसके अंदर कंटेंट ये लिखा हुआ है कि स्कूल के अंदर आईईडी बम प्लांट किया गया है, अगर खुद को बचा सकते हो तो बचा लो, ये कंटेंट उस पर लिखा हुआ है। और इसी के बाद से ही सीआरपीएफ के पूरे भारत में जितने भी स्कूल हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो एसओपी है, कोई भी ऐसा थ्रेट मिलने पर कि जिन जिन चीजों को फॉलो करना होता है वो सभी पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है। मेरे विजय, अगर थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री स्कूल की बाउंड्री है जहां पर प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस भी हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां भी जो है, चाहे वो ब्लास्ट केस को लेकर हो या दूसरा कोई जो थ्रेट केस हो उसको लेकर, लगातार अंदर जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, स्कूल जब सुबह बच्चे पहुंच रहे थे, उनके पेरेंट्स से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि वो डरे हुए हैं, उनको भी डर है। जानकारी के लिए तो देखिए एक बार फिर से यहां पर किस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को मिली है। लेकिन देश भर में पहले भी ट्रेन की साजिश यहां पर रची गई है, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते देखिए। इसके बाद लगातार विमानों को भी धमकी दी जा रही है, आज भी कई विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और अब सीआरपीएफ के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों में इस तरीके के मेल आए हों। इससे पहले देखिए ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई और कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई और इसके बाद फिर विमानों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है और अब निशाने पर सीआरपीएफ स्कूल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ धमाका, 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए मिली धमकी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली की खराब हुई आबोहवा, राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहा है स्मोग, 310 दर्ज किया गया है AQI। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली NCR में लागू हुआ ग्रैप 2, डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक, CNG इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। दिल्ली के मोतीबाग और नेहरू पार्क में भी खराब हुई हवा, सुबह के वक्त कई जगहों पर नजर आई फॉग, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी बिगड़ी हवा, बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें, तेजी से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा, तेजी से बढ़ रहा है AQI का स्तर, अक्षरधाम की तस्वीरें सामने आई है, लॉज मोड पर है सरकार। अयोध्या में दिख रहा प्रदूषण का असर, सुबह सुबह राम की पैड़ी के पास दिखी जहरीली धुंध, खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में अब भी दिख रहा है जहरीला झाग, पानी पर तैर रही जहरीली झाग की परत, एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी में अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है, सांस और त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए ये खतरा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बीच देखी जा रही लापरवाही, कनॉट प्लेस में स्मोक टावर पर जड़ा ताला, इस साल अभी तक चालू नहीं हुआ टावर। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बढ़ा AQI का स्तर, ताजमहल के आसपास छाई जहरीली धुंध, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कर्नाटक में बारिश का कहर जारी, द्वारका नगर में लोगों के घरों में पानी भरा, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई झमाझम बारिश, कई घंटों तक हुई बारिश से जगह जगह पानी भरा, तापमान में गिरावट दर्ज। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, सुरभि लेआउट में पानी भरा, स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी, लोगों के मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। ओडिशा में साइक्लोन डाना को लेकर तैयारी जारी, 24 अक्टूबर की रात तक पुरी की तट से टकरा सकता है तूफान, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु के शिवगंगा में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी, बर्ड सेंचुरी को पक्षियों ने बनाया ठिकाना, हर साल आते हैं प्रवासी पक्षी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, भारतीय सेना ने ड्रोन पर की फायरिंग, गोलीबारी के बाद वापस POK में दाखिल हुआ ड्रोन। जम्मू कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन, 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। कश्मीर में मारे गए बिहार के 3 मजदूरों का शव पटना पहुंचा, मधेपुरा के 2 और वैशाली का रहने वाला था 1 मजदूर, परिजनों को सौंपा गया शव। गांधरबल में मारे गए शशि अबरोल के घर पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा, परिवार से की मुलाकात, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान, कहा ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे, काम में देरी होने की बात कही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। रूस के